हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं वीडियो UP SSC वीडियो रिज़ल्ट को लेकर के। फ्रेंड्स, इस पर हम वीडियो आज बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं इसका रिज़ल्ट कई बार डेट दिया जा चुका है, कब आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। पहले डेट दिया गया था कि जुलाई के सेकेंड पक्ष में आ जाएगा, यानी कि सेकेंड पखवाड़े यानी 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच कभी भी आ सकता है। फिर उसके बाद डेट दिया गया कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में, वो भी आज बीत गया फ्रेंड्स, तो वो भी नहीं आया, उस डेट पर भी नहीं आया। तो फ्रेंड्स, इसे लेट में लेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, मैं पूरी बात बताऊंगा आप लोग को। आप लोग जान रहे हैं जैसा कि ये 2018 में एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम बीते हुए लगभग 8 महीना हो गया है, फिर भी इसकी कोई खबर नहीं है। कई स्टूडेंट्स इसके वजह से सुसाइड कर लिए, कई अभी भी भूख हड़ताल में बैठे हुए, लगातार बैठे हुए, कई बार धरना प्रदर्शन हुआ, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। और पहले तो पेपर आउट होता, आप लोग जान रहे, उसके लिए भी कितना धरना प्रदर्शन किया, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ। अब उसका रिजल्ट के लिए किया जा रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो देख रहे हैं हमारा थंबनेल क्या है, UP SSC वीडियो रिज़ल्ट क्यों हो रही है इतनी देरी, कब तक आने की उम्मीद है, मतलब कि रिज़ल्ट कब तक आने की उम्मीद है, कट ऑफ क्या हो सकता है, और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बता दें कि क्यों इतनी हो रही है देरी। तो आप लोग जान रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में कितने बड़े लेवल पे धांधली हुआ था, पेपर पूरा का पूरा लीक हो गया था, 2 दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। तो कैंडिडेट्स ने कैंसिल कराने की बहुत डिमांड कराई इसके लिए, लेकिन नहीं हुआ। काफ़ी धरना प्रदर्शन वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन नहीं हुआ। और जब ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, तो आपको मालूम होगा उस समय के तत्कालीन चेयरमैन जो थे वो इस्तीफ़ा दे दिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी मालूम होगा कि UP SSC जब से भंग किया गया था, दोबारा बनाया गया है, तब से कितना लेट लतीफ़ हो गया है। कोई काम अपना समय पर करा नहीं पा रहा है, ना ही ईमानदारी से करा पा रहा है। पहले के जो चेयरमैन और पहले के जो मेम्बर थे UP SSC के, वो अपना काम बहुत आसानी से और टाइम से कराते थे, एग्ज़ाम कराते थे, साल 2 साल के अंदर ज्वाइनिंग भी हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी तो रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट ही नहीं आया है, इतना स्लो हो गया है काम जब से चेयरमैन और सदस्य बदले हैं। और चेयरमैन एक लोग बनते हैं, फिर रिज़ाइन देते, जब देखे हम पकड़ाने वाले हैं इस भर्ती में कितना बड़ा धांधली हो चुका है, तो वो रिज़ाइन दे दिए, फिर दूसरे चेयरमैन आए। तो फ्रेंड्स, UP SSC से मैं ऐसा भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है, उससे बचना मुश्किल है। और इस समय UP SSC से नौकरी पाना इतना आसान भी नहीं है फ्रेंड्स। जो पहले पा चुके बहुत लकी थे, अब इससे नौकरी पाना आसान नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं मैं निगेटिविटी फैला रहा हूँ, पर निगेटिविटी नहीं फ्रेंड्स, ये सच्चाई है। क्योंकि UP SSC में अब बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला है, जब तक ऐसे ऐसे मेम्बर रहेंगे, और उम्मीद है 5 साल तो रहेंगे। क्योंकि ये सब क्या होता है, सारा मैटर कहीं कभी अधिकारी होते हैं पॉलिटिकल, कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी तभी कुछ हो सकता है। तो मान चलो 2022 में ही कुछ, यानी 3 साल कम से कम फ्रेंड्स, 5 साल, 3 साल तक तो यही हाल रहने वाला है कि ऐसे पैसे पे सारी सीट बिकेंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ भूख हड़ताल वाला न्यूज़ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, UP SSC कैंडिडेट्स सिट ऑन हंगर स्ट्राइक इन लखनऊ ओवर डिलेड रिजल्ट्स। इन मैनी केसेस कैंडिडेट्स हैव कमिटेड सुसाइड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज फोर्सिंग अस टू डू द सेम। एक कैंडिडेट बोले हैं कि कई कैंडिडेट ऐसे सुसाइड कर चुके हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन है, हमें भी वही करने के लिए फोर्स कर रहा है, यानी बाध्य कर रहा है। देखिए ANI का फोटो है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विसेज कमीशन UP SSC एस्पिरेंट्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेट हैव बीन सिटिंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक फॉर द पास्ट 2 डेज इन फ्रंट ऑफ द UP SSC बिल्डिंग। तो 2 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे फ्रेंड्स। गोमती नगर डिमांडिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो एग्जाम्स दैट वेर कंडक्टेड इन December 2018। मोर देन 9 लाख कैंडिडेट्स हैव बीन अफेक्टेड इन द स्टेट ड्यू टू द डिलेड रिजल्ट्स। तो 9 लाख कैंडिडेट्स अफेक्टेड फ्रेंड्स, जो कि इसमें 14 लाख अपीयर हुए थे, अब 9 लाख ही दिया गया है। ऑन थर्सडे मॉर्निंग 5 कैंडिडेट्स वर सेंट टू द हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस आफ्टर देयर हेल्थ कंडीशन डिटेरियरेटेड, यानी कि भूख की वजह से उनका तबियत खराब हो गया, फिर उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। अ प्रोटेस्टर सेड अराउंड 400 ऑफ अस हैव कम टू लखनऊ टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी 400 लोग जो हैं वहाँ पहुँचे थे ताकि अपनी आवाज़ उठा सके। वी हैड गिवन एग्जाम्स ऑफ वीडियो इन लास्ट दिसंबर, इट हैज़ बीन 7 मंथ्स बट आवर रिजल्ट्स हैव नॉट बीन रिवील्ड इट। फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स वी हैव बीन कॉन्टिन्यूसली एगिटेटिंग एंड वी केम हियर टू टेक द मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी पिछले कुछ महीनों से हम लगातार यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन इस बार अब मजबूरन हमें भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। नो एश्योरेंस नाउ, विल रिटर्न आफ्टर रिजल्ट। The protesting candidates said that they have written several times with assurance, but this time they will
नॉट रिटर्न अनटिल रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। तो वो बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि जो भूख हड़ताल बैठे हुए, पहले हम कई बार हमें क्या हुआ उम्मीद दिला दिया गया, तो हम बार बार लौट गए, इस बार नहीं लौटेंगे जब तक रिजल्ट लेके नहीं जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ये न्यूज़ आपका देख रहे हैं 8 अगस्त का है और आज 22 अगस्त हो गया है, तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि ये लोग अभी तक वहीं बैठे हैं, पर मीडिया अभी तक कुछ दिखा नहीं रही है। मीडिया इस बात को दबा रही है ताकि बात न बिगड़े ज़्यादा, तो मीडिया भी जानते साथ नहीं देती स्टूडेंट्स का। सुमन कुमार सिंह ए कैंडिडेट टोल्ड न्यूज़ क्लिक वी हैड अपियर्ड फॉर द एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ वीडियो विच वॉज हेल्ड ऑन December 22 and 23, 2018 देयर वर 1953 पोस्ट एंड इट हैज़ बीन 7 months दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट बट नो बडी इज लिसनिंग टू अस फ्रॉम द बिगनिंग द कमीशन हैज़ बीन डिलेइंग द रिजल्ट लास्ट मंथ ऑल्सो वी हेल्ड अ प्रोटेस्ट बट आफ्टर अश्योरेंस वी कॉल्ड ऑफ आवर प्रोटेस्ट दिस टाइम वी विल नॉट एंड आवर हंगर स्ट्राइक अंटिल आवर रिजल्ट आर डिक्लेयर। पिछले महीने भी किया गया था, लेकिन वो क्या किए, फिर से एश्योरेंस दे दिया कि रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर प्रोटेस्ट बंद कर दिया गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। फिर यही सब न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्या डिटेल पढ़े आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग समझ सकते हैं इस रिजल्ट से कितने लोग परेशान हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। साल भर होने को है लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो फ्रेंड्स ऐसे बोल रहे थे कि पहले जुलाई के सेकंड पक्ष में आने वाला था, अब क्या बताया जा रहा है कि अगस्त 2019 के तृतीय सप्ताह में अभिलेख सत्यापन हेतु और अभ्यर्थियों का परिणाम संभावित, लेकिन वो भी नहीं आया। तृतीय सप्ताह भी बीत गया, तीसरा सप्ताह भी बीत गया, तो फ्रेंड्स अब उम्मीद यही है कि 31 अगस्त तक ये रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि इसमें इतनी धांधली हुई है कि इसे छिपाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि रिजल्ट आने के बाद फिर से कैंसिल ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स ये समझ सकते हैं इसमें इतनी बड़ी लेवल धांधली हुई तो इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कुछ फैक्टर्स पर देख लेते हैं। कुल उम्मीदवार 14 लाख थे, उपस्थिति 75%, इसीलिए वहाँ न्यूज़ में क्या हुआ था 9 लाख लिखा था, क्योंकि 9 लाख प्रेजेंट हुए थे। और पेपर लेवल की बात करें तो हिंदी काफ़ी आसान था, जीके नॉर्मल था, रीजनिंग कठिन था, और उसके बाद पेपर लिख, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स जब पेपर लिख हुआ है तो कितना भी आसान कितना कठिन कुछ भी रहे वो तो आसान बन जाता है जिसको पेपर मिल जाता है। तो पेपर तो ऑलरेडी फैल चुका था 2 दिन पहले से ही है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कट ऑफ कितना हाई जा सकता है। तो इसमें बहुत कम लोग का चांस है जो ईमानदारी से सिलेक्शन पा पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। फिर भी मैं अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ कितना जाने वाला है कट ऑफ इसका। तो देखिए संभावित कट ऑफ अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 220 से 228, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 214 से 222, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 204 से 212, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 196 से 204, महिला यानी फीमेल का 206 से 214। फ्रेंड्स ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। इसमें से बहुत कम लोग का ईमानदारी सिलेक्शन होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है कि सारे पैसे वाले ही होने वाले। 1953 पोस्ट है, अगर 53 पोस्ट ईमानदारी से हो भर जाए तो वही बड़ी बात है, क्योंकि जितना इस पर लेट किया जा रहा है उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें कितनी सेटिंग चल रही है। पहले तो पेपर लीक कराएगा, उसके बाद काम नहीं बना तो अब उसके बाद जुगाड़ लगाया जा रहा है कि रिजल्ट कैसे चेंज किया जाए, क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स हमें आपको इतना ही अपडेट देना था, धन्यवाद।